उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बदलापुर के शाहपुर गौशाला के पास भोर में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया। उसके साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। वहीं मृत बदमाश की शिनाख्त मऊ के सुमित कुमार सिंह उर्फ मोनू चवन्नी के रूप में हुई है। उस पर 1,00,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। मिले सुराग पर एसटीएफ बदलापुर थाना और स्वाट की संयुक्त टीम वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुस्तैदी से संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग में जुट गई। इसी दौरान आई तेज रफ्तार बोलेरो को रोकने का संकेत दिया गया। उस पर सवार बदमाश पुलिस टीम पर गोलियां चलाते हुए शाहगंज मार्ग पर भागने लगे। पुलिस टीम ने उनका पीछा कर लिया। एक अपराधी सुमित कुमार उर्फ मोनू चवन्नी के द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर फायरिंग कर रंगदारी मांगने की घटना कारित की गई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा इन अपराधियों के लिए दबिश दी जा रही थी। और फिलहाल जो सुमित कुमार पे 1,00,000 रुपये का इनाम घोषित था और इस पर करीबन 24 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कई मुकदमे हत्याओं के और इसके द्वारा जो घटनाएं कारित की गई हैं जिस पर मुकदमे पंजीकृत हैं वो उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर, बलिया, जौनपुर, इसी तरह से बिहार में कई मुकदमे इस पर पंजीकृत थे। आज सुबह सुमित उर्फ मोनू चवन्नी की तलाश के लिए एसटीएफ की टीम और साथ में जौनपुर पुलिस की टीम दोनों ज्वाइंटली उसके लिए लगे हुए थे, तो जैसे ही उसको रोकने का अरेस्ट करने का प्रयास किया है तो वहाँ पर उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिस एक्सचेंज ऑफ फायर में मोनू चवन्नी के गोली लगी है और जिसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और मोनू चवन्नी इस पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। उसके पास से एक AK-47 बरामद हुई है, एक 9mm पिस्टल बरामद हुई है और एक बोलेरो गाड़ी बरामद हुई है और जो भी उसके साथी मौके से फरार हैं उनकी भी तलाश टीम के द्वारा की जा रही है।